हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला लच्छा पराठा की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब बिना कोई देर किए इस डिलीशियस से मसाला लच्छा पराठा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला लच्छा पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर से आपका पराठा बहुत ही अच्छा लगेगा। बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़े से व्हाइट तिल डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे आपके पराठे की लुकिंग बहुत अच्छी आएगी। उसके अलावा मैंने यहाँ पर नॉर्मल रोटी का आटा गूंथ लिया है, जैसे आप रोज़ रोटी बनाते हैं। अब सबसे पहले हमें आटे का एक थोड़ा सा पोर्शन तोड़ना है और मीडियम साइज़ की अगलोई बना लेनी है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बनाए ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। और आटे को आपको ना ही तो बहुत ज़्यादा ढीला गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आपको मीडियम साइज़ की अगलोई बना लेनी है और उसे हाथों से इस तरह से सूखा आटा डस्ट करते हुए अच्छे से फ्लैट कर लेना है। अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे बेलन की हेल्प से अच्छे से रोल आउट कर लेने, बिल्कुल गोल गोल रोटी बना लेनी है आपको। सबसे पहले जितनी अच्छी आपकी गोल गोल रोटी बनेगी उतना ही अच्छा आपका पराठा बनेगा। ये देखिए, इस तरह से आपको बिल्कुल गोल रोटी बेल लेनी है सबसे पहले। अब हम रोटी के ऊपर अप्लाई करेंगे घी या ऑयल, आप ब्रश या हाथ की मदद से जो भी आपको सूटेबल लगे वैसे आप इसके ऊपर अप्लाई करें। मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से आपको पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से घी लगा लेना है। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसके ऊपर घी लगा लिया है। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला पाउडर। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर अवेलेबल नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना इसके भी आप इस पराठे को बना सकते हैं। उसके बाद हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे ये नमक, उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आपके पेट के डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इससे आपका पराठा भी बहुत टेस्टी लगेगा। फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे ये बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। उसके बाद हम इस तरह से नाइफ की हेल्प से सेंटर से आउटर साइड आपको इस तरह से कट लगा लेना है, फिर एक साइड उठाते हुए इस तरह से इसे फोल्ड करना है, फिर से उसके ऊपर अच्छी तरह से घी या ऑयल अप्लाई करना है, फिर इसे एक बार फिर से फोल्ड करना है, फिर से आप इसके ऊपर घी या ऑयल अप्लाई करें। हम बार बार इसके ऊपर घी या ऑयल इसलिए लगा रहे हैं ताकि इससे इसकी लेयर बहुत अच्छी आए। देखिए, इस तरह से आपको इस हल्का हल्का सा घुमाते हुए जाना, रोटेट करना है, बिल्कुल कोण जैसा शेप दे देना है आपको। और कोण जैसा शेप देने के बाद आपको इस तरह से ट्विस्ट करते हुए जाना है बहुत ही अच्छे से। जितने अच्छे से आप पराठे को, रोटी को ट्विस्ट करेंगे उतना अच्छा आपके पराठे के अंदर लेयर्स आएगी। अब लास्ट पॉइंट को इस तरह से सेंटर में अच्छे से प्रेस कर देना है, फिंगर्स की हेल्प से अच्छी तरह से इसे प्रेस कर दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और दूसरी साइड ऑलरेडी घी लगा हुआ है जो कि बाहर निकल जाता है, बस उसी तरफ आपको ये वाइट तिल और बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो है वो अप्लाई करना है ताकि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाए, अच्छे से चिपक जाए। और हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे से इसे फैला लें, फ्लैट कर लें। उसके बाद फिर से इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करें, अच्छी तरह से इसके ऊपर सूखा आटा लगा लें। उसके बाद बेलन की मदद से बहुत ही हल्के आँच से इसे गोल गोल बेल लें। इस टाइम पर आपको हाथ को बहुत ही हल्का रखते हुए इसे बेलना है क्योंकि अभी इसके अंदर मसाला घी वगैरह है तो आपका पराठा जो है वो बिगड़ सकता है, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से आप ये काम करें। ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथ से बहुत ही अच्छे से मैंने इसे गोल गोल बेल लिया है। और जब तक मैं पराठा बेल रही थी तब तक मैंने यहाँ एक तरफ तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए, अब हमारा तवा भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये पराठा। जैसे आपका पराठा एक तरफ से सिक जाए उसके बाद ही आप इसे टर्न करें। ये तवा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था इसलिए मैं इसे थोड़ा सा और मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। देखिए, हमारा पराठा जो है एक तरफ से हल्का सा सिक चुका है। इसके ऊपर अब हम अप्लाई करेंगे घी, बटर, ऑयल, जो भी आप चाहें। मैं इसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ। उसके बाद
फिर से इसे टर्न करेंगे और फिर से इसके ऊपर घी या ऑयल अप्लाई करेंगे। आपको पराठे को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही सेकना होता है, ना ही आपको लो फ्लेम पर सेकना होता है, ना ही हाई फ्लेम पर। लो फ्लेम पर अगर आप पराठे को सेकते हैं तो आपका पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा, और अगर हाई फ्लेम पर सेकते हैं तो आपका पराठा जो जल जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से मीडियम फ्लेम पर पराठे को अलट पलट करते हुए बहुत ही अच्छे से सेक लेना है। देखिए आपका यम्मी डिलीशियस सा पराठा जो है बनकर बिल्कुल रेडी है, कितना यम्मी लग रहा है ये। बस इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बनाकर रेडी कर लेंगे। फिर से मैंने एक आटे की मीडियम साइज़ की लोई बना ली है और उसके ऊपर इस तरह से सूखा आटा डस्ट करते हुए फिर से इसे रोल आउट कर लेंगे, अच्छे से गोल गोल बेल लेंगे। देखिए ना ही आपको बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। फिर से हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसके ऊपर घी लगा लिया है। जितने अच्छे से आप घी लगाएंगे उतनी ही अच्छी आपके पराठे की लेयर बनेगी। फिर से हम इसके ऊपर स्प्रिंग करेंगे ये सारे मसाले, ये लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, फिर नमक, इसके बाद ये अजवाइन, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये हरा धनिया, थोड़ा सा और डाल देंगे आप। अब फिर से हम इस पर नाइफ की हेल्प से इस तरह से सेंटर से आउटर की साइड कट लगा लेंगे। फिर एक साइड हमें इसको फोल्ड कर लेना है। फिर से इसके ऊपर घी या ऑयल अप्लाई करना है। अच्छे से आप इसके ऊपर घी या ऑयल अप्लाई करें। फिर से इसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर फिर से घी अप्लाई करना है। अब फिर से आपको इसका एक कोण शेप बना लेना है, कोण शेप दे देना है इसे, इस तरह से गोल गोल घुमाते जाए और उसको कोण का शेप दे दें। ये देखिए बहुत ही आहिस्ता से, बहुत ही अच्छे से आपको इसको इसे रोटेट कर लेना है। अब इसे हल्के हाथ से हम ट्विस्ट करते हुए जाएंगे। जितना अच्छे से आप ट्विस्ट करेंगे उतनी अच्छी आपके पराठे की लेयर बनेगी। हल्के हाथ से ये काम करें और फिर सेंटर पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को इस तरह से सेंटर में प्रेस कर दें अच्छे से। ये देखिए कुछ इस तरह से, फिर फिंगर्स की हेल्प से इसे अच्छे से फ्लैट कर लें। ये देखिए फिर दूसरी साइड हम इसके ऊपर तिल और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया लगाएंगे और फिर इसे हाथ की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। फिर से इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे और फिर से इसे बहुत ही हल्के हाथ से हैंडल करते हुए इसका गोल गोल पराठा बेल लेंगे। ये पराठे खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। अगर आपके घर में सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है, या फिर आपका सब्ज़ी बनाने का मन नहीं है, या फिर आपको इंस्टेंट कुछ अच्छा खाना है, तो आप इन मसाला लच्छा पराठे की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं। इसमें आपको किसी तरह की सब्ज़ी, अचार, नमकीन की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इसके साथ दही खा सकते हैं, दही के साथ भी ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब हमारा पराठा एक तरफ से सिक गया है। अब इसके ऊपर फिर से घी या ऑयल अप्लाई करेंगे और घी अप्लाई करने के बाद फिर से इसे टर्न करेंगे और फिर से इसके ऊपर घी या ऑयल अप्लाई करेंगे और इस तरह से अलट पलट करते हुए मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरह से पराठे को सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पराठा जो है कितना अच्छा लग रहा है। आप पराठे को कभी भी किसी भी टाइम इंस्टेंटली बना सकते हैं, बहुत ही फटाफट से बनकर रेडी हो जाएंगे ये। आप देख सकते हैं पराठे की लेयर्स कितनी अच्छी आई है। ये पराठा दिखने में जितना अच्छा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। फटाफट से गर्मा गर्म पराठे को हम सर्व करेंगे। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी अदर रेसिपीज़ की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इसी तरह की अच्छी अच्छी और ईजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अब बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।